घर खरीदना हर किसी का ख्वाब है। इंसान दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, सालों साल तक पाई पाई जोड़ता है, तब कहीं डाउन पेमेंट भर का पैसा जुटता है। कुछ ऐसी ही कहानी विशाल की है। विशाल पेशे से टीचर है। 5 साल की तनख्वाह से पैसा बचाकर डाउन पेमेंट का जुगाड़ किया ताकि घर खरीद सके। नया घर खरीदे या पुराना, इसे लेकर पहले से कंफ्यूज थे। उस पर किसी ने कह दिया कि पुराना घर खरीदे तो प्रॉपर्टी की एज जरूर चेक कर ले। विशाल सोच में पड़ गए, ये प्रॉपर्टी की एज क्या नया फसाद है? ये कैसे पता चलेगा? घर खरीदने से इसका क्या लेना देना? विशाल जैसे लोगों की इसी उलझन को दूर करने की हम करेंगे कोशिश। प्रॉपर्टी की एज यानी संपत्ति की उम्र से मतलब है कि घर कितना पुराना है। आमतौर पर किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर की औसत उम्र 75 से 100 साल मानी जाती है। ये कई कारकों पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर अपार्टमेंट की लाइफ 50 से 60 साल, जबकि जमीन पर बने मकान की उम्र इससे ज्यादा होती है। अपार्टमेंट में कॉमन यूज की कई चीजें होती हैं, ऐसी इमारतों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मकान या फ्लैट का लाइफ स्पैन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर निर्भर करता है। अगर मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है तो 40 से 50 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती है। घर कितना पुराना है और कितनी मजबूती बची है, ये पता लगाने में स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपकी मदद कर सकता है। वो कंस्ट्रक्शन के सैंपल के आधार पर चेक करता है कि किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, मकान की कितनी स्ट्रेंथ यानी मजबूती बची है। अपार्टमेंट के मामले में बिल्डिंग प्लान से पता चल सकता है कि निर्माण कब शुरू हुआ था। रियल एस्टेट फर्म होमेंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि पुराने घर के सस्ते होने का एक कारण उसकी एज भी है। कोई भी प्रॉपर्टी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, उसकी कीमत भी घटती जाती है। जाहिर सी बात है, नए मकान के मुकाबले ठीक उसी तरह से पुराने घर की कॉस्ट कम होगी। मकान पुराना होने पर उसकी मजबूती कम होती जाती है। पुराना मकान या फ्लैट खरीदने से पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर से घर की स्ट्रेंथ जरूर चेक करवाएं। पुराने अपार्टमेंट की तुलना में नए बनने वाले अपार्टमेंट में खरीदारों को सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं और रीडेवलपमेंट में भी पैसा खर्च नहीं होता है। प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, उसकी लोकेशन क्या है, कैसा मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। मिश्रा बताते हैं कि बैंक लोन देते समय ये चेक कर लेते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन दे रहे हैं उसमें दम है या नहीं। अगर घर ज्यादा पुराना है तो बैंक लोन लेने का मोटिव देखता है। अगर आप तोड़कर फिर से मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। बैंक देखता है कि उसका पैसा सुरक्षित है या नहीं। कल को अगर उसे प्रॉपर्टी पर कब्जा लेना पड़े तो उसे कीमत मिलेगी या नहीं।